लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महिलांसाठी हा म्हणजे एक उद्देश होता की महिला दिनच्या निमित्ताने आम्ही स्टॉल लावावं, जी काय आम्ही घरामध्ये बनवलेले पदार्थ असतात ते आम्ही सेल करा आणि ते जास्त आहेत मार्केटमध्ये, तर ते मार्केटमध्ये ते उद्देशाने आम्ही सरांना सांगितलं की ते तुम्ही घ्या म्हणून स्टॉल वगैरे 19 नंबर रोडला। तर सर बोलले ठीक आहे आणि इथे सर्व महिला स्वतःच्या मेहनतीने घरामध्ये पदार्थ बनवून पोहे, शिरा, उपमा, इडली, डोसा, ज्वारीची भाकरी, तांदळाची भाकरी हे स्वतः ते बनवून इथं विक्री करतात आणि आता आणि वे नावे सर्व बनवतात आणि इथे वेस्ट म्हणजे सर्वजण ऑफिसवाले जे सर्वजण इथे एकदम उत्साहाने महिला काम करतात आणि असंच प्रत्येक वर्ष आम्हाला महिन्यात स्टॉल दिले तर अति उत्तम होईल। पहिली टाइम दिलेलं आहे तर मी सर्वांचं मी सरांचं अभिनंदन करते, मॅडमचं पण अभिनंदन करते आणि तर आम्हाला पहिल्या दिवशी चांगला प्रतिसाद भेटला, इथं भरपूर जणांची सेल झाली, एकांची 5,000 झाली, एकांची 3,000 झाली, दुसऱ्या दिवशी 4,000 झाली आणि कालचा पण चांगला परती हे छान झाला सेल। आज 14 दिवस आहे आणि आज महिला दिनमध्ये काय आमचं सेल होईल ते आमचं भाग्य समजेल। आम्ही महिला आहे बचत गट द्वारा बाहर के प्रोडक्ट लाकर यहाँ पे बेचते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं वो भी नहीं ऐसा नहीं होता कि बाहर से लाते, उनका भी कोई मजबूरी रहता है, सब का सब एक जन इडली बनाते डोसा बनाते तो सब तो घर में बना नहीं सकते ना, तो कोई मार्केट में लाते बचत गट का जो पैसा रहता है बैंक में वो निकाल के 10,000 का माल भर के वो बिक्री करते हैं, जो ऊपर का अपना रहता है पैसा वो हम सब जन बांट के लेते, सब घर में नहीं बना सकते ना आज सबको घर को चाहिए ना, चप्पल तो घर में नहीं बना सकते तो बाहर से मंगा के हम बिक्री करते हो, हमको तो खाली मार्केट में आके बेचना चाहिए। हम इस प्रकार के सबको संधि मिलते, घर में भी बना के तुम बेच सकते हो, मार्केट के से भी ला के बेच सकते हो, तो मजबूर रहते हैं सब जन बोलते कि स्टॉल में सब खाना ही पदार्थ चाहिए तो बाटी भी चाहिए ना, इसलिए हम कपड़ा भी सिला के बेचते, थैली सिला के बेच सकते, चुना रहता है वो कपड़ा उसका थैली लेते बेचते आणि ऊपर चप्पल रहेगा तो चप्पल बाहर से बना लेते, कोई रहता है वो चांबर तो घर में वो चमड़े का चप्पल रहता है वो घर में बना के बेचते हो। महिलाओं के लिए शासन ने बहुत से योजनाएं लाई है लेकिन महिलाएं ठीक तरीके से उसका लाभ नहीं उठा पाती है, क्या कहेंगे आप? वो तो ना सबके घर में वो महिला को नहीं पहुँच सकता हो, और सरकार ने बहुत सहूलत निकाले, बहुत फैसिलिटी और सबको ना फैसिलिटी बहुत है लेकिन वो हर घर घर में ना महिला बचत क्या है वो भी उनको मालूम नहीं पड़ता, वो सर घर घर में ना महिला बचत होना चाहिए, प्रत्येक घर में एक महिला बचत होना चाहिए।